अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन स्टूडेंट्स। इट्स आवर 8th स्टैंडर्ड एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम आवर साइंस बुक। द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, आज हमारा ये जो चैप्टर है इसका नाम है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, यानी हवा और पानी जो है ये आलूदा कैसे होता है, ये गंदा कैसे होता है, आलूदा कैसे होता है, तो इसी के बारे में ये हमारा चैप्टर है। ये आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। तो ये जो टॉपिक दिए गए हैं इस चैप्टर में वो क्या क्या हैं? टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर में हमें जो जो टॉपिक पढ़ने हैं वो क्या क्या है। नंबर वन, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। नंबर टू, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। नंबर थ्री, टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन। नंबर फोर, प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन, प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। नंबर फाइव, एसिड रेन, एसिड और रेन। नंबर सिक्स, वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। नंबर सेवन, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड गंगा रिवर, गंगा रिवर। नंबर एट, टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। नंबर नाइन, यहां पे लिखूंगा मैं साइड, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। नंबर टेन, एग्रीकल्चरल वेस्ट, वेस्ट। नंबर अलेवन, मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन, वाटर, वाटर पोल्यूशन। नंबर ट्वेल्व, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, नंबर थर्टीन, पोर्टेबल वाटर, वाटर। नंबर फोर्टीन, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। नंबर फिफ्टीन, कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, causes of greenhouses effects, and last one is
नंबर 16 ग्लोबल वार्मिंग। हाँ तो बच्चों ये टॉपिक जो है ये हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं, हमें पढ़ने हैं क्या क्या। एक तो एयर पोल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है, उसके बाद सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन, एसिड रेन, वाटर पोल्यूशन, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पोर्टेबल वाटर, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो वन बाय वन इनको हम पूरा ब्रीफली इसकी जो समरी है वो पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे वन बाय वन करके। तो आज जो है आज हम इनमें से पढ़ेंगे एक तो एयर पोल्यूशन, उसके बाद सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, इसको हम डिफाइन करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपको इनके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। होप ऑल ऑफ यू लिसन मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ओके, सो कम टू द पॉइंट, लेट्स बिगन अवर टॉपिक एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, व्हाट इज एयर पोल्यूशन? द फेनोमेनन ऑफ contamination of air with unwanted substances so that it can be harmful for living organism as well as non-living substances is known as air pollution. Okay, the phenomenon of contamination of air with unwanted substance so that it can be harmful for living organism as well as non-living substance is known as air pollution. तो क्या है air pollution? ऐसा अमल जिसमें जिससे हवा आलूदा हो जाए। ये जो हवा है जिससे हम सांस लेते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें सांस लेता है, जिसके जरिए सांस लेते हैं, अगर वो आलूदा हो जाए किसी चीज के साथ मिलके, वो आलूदा हो जाएगी, जो हार्मफुल बन जाए, जो क्या बन जाए, नुकसानदेह बन जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जानदार चीजों के लिए, एज वेल एज नॉन लिविंग सब्सटेंस और बेजान चीजों के लिए, तो वो क्या कहलाता है? वो एयर पोल्यूशन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्या है? सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। आइए दो हमें कवर करने हैं। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है? सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, सोर्स क्या है? पावर प्लांट्स। इसके जो सोर्स हैं वो हैं, तो पावर प्लांट्स हैं, उसके बाद है फैक्ट्रीज, उसके बाद है ऑटोमोबाइल्स, उसके बाद है बर्निंग ऑफ फायरवुड। यानी पावर प्लांट्स जो है, जहां बिजली पैदा होती है, वहां से जो उसका वेस्टेज निकलता है, धुआं वगैरह निकलता है, तो वो क्या करता है? हवा को आलूदा कर देता है। ओके, उसके बाद जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं,
जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज वगैरह है, वहां पे जो उसका धुआं निकलता है वो भी क्या करता है, हवा को आलूदा करता है। उसके बाद हमारी जो गाड़ियां वगैरह चलती हैं, रोड्स पे गाड़ियां चलती हैं लाखों के हिसाब से, उनका जो निकलता है धुआं वगैरह निकलता है वो भी हवा को क्या कर देता है, आलूदा कर देता है। उसके बाद बर्निंग ऑफ फायरवुड, जो हम लकड़ी जलाते हैं, जो हम घरों में या इंडस्ट्रीज में या कहीं भी हम लकड़ी वगैरह का यूज करते हैं, लकड़ी हम जलाते हैं, उससे जो निकलता है वो पोल्यूशन वगैरह निकलता है, धुआं निकलता है, वो भी क्या करता है, हवा को आलूदा कर देता है। तो ये क्या है, ये सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है। ओके बच्चों, एक तो पावर प्लांट्स, उसके बाद फैक्ट्रीज, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स, उसके बाद बर्निंग ऑफ फायर वुड, ये हवा को आलूदा कर देते हैं। ये सोर्स है किसके, एयर पोल्यूशन के। ओके बच्चों, तो ये दो आज हमने पढ़े, एक तो हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा, उसके बाद सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे, पढ़ा हमने। नेक्स्ट टुमारो इंशाल्लाह हम किसकी डिस्कस हम करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी ये जो एयर पोल्यूशन है इससे कैसे बचा जा सकता है, हवा को आलूदा होने से हम कैसे बचा सकते हैं। ओके, कल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।